एक बात कहूं, हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया, तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान को कभी नहीं बताना चाहिए कि आपको पता चल गया, और आपको उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि जिंदगी भर वो परेशान रहे कि आपने उसे छोड़ा क्यों। जितने भी लोग कोरोना के समय में लूडो खेल रहे हैं ना, याद रखना कोरोना के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी से खेलने वाला है, बच के रहना। समझ में आया क्या? किसी को बार बार विश्वास दिलाना पड़े ऐसी मोहब्बत से तो अकेलापन ही ठीक है, क्योंकि अकेलापन इतना दर्द नहीं देता जितना बार बार विश्वास दिलाना देता है। जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। आप किसी इंसान के जितना करीब आने की कोशिश करेंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, और उस इंसान से जितना दूर जाएंगे वो आपके उतना ही करीब आएगा। ट्राई करके देख लो। जिंदगी में अपने सीक्रेट कभी किसी को मत बताना, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो इंसान आपको उन्हीं बातों को याद करवाकर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और ताने मारेगा। यदि आपको किसी से मोहब्बत है तो उस पर कभी शक मत करो, और यदि किसी पर शक है तो उससे कभी मोहब्बत मत करो। इंसान ये दोनों चीजें एक साथ कर लेता है और फिर जिंदगी भर परेशान रहता है। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा, यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे, जो आपका यूज करके आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, इसलिए बच के रहिएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि प्यार पाने के लिए भीख मांगते हैं, प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलता। प्यार वो है जो खुद चलकर आपके पास आए और आप भी उसकी इज्जत करें, वो प्यार जिंदगी भर चलता है। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना कि यदि भगवान को आपकी बहुत ज्यादा याद आए और वो आपको उनके पास बुला ले तो वो दोस्त आपके पूरे परिवार को संभाल ले। क्या आपके पास है ऐसा दोस्त? प्यार किसी से सिर्फ तब तक करना जब तक आप उसे बोझ ना लगे। जिस दिन आप उसे बोझ लगने लगे उसके सर से वो बोझ उतार देना, ताकि आप भी खुश रहे और वो भी खुश रहे।